इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में खड़ा हूँ, जिसका नाम है नेहरू प्लेस। आप लोगों ने इस जगह का नाम ज़रूर सुना होगा। ये जगह अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से तो है ही पॉपुलर, और आजकल ये मार्केट मनोज जी की वजह से काफ़ी पॉपुलर हो रही है सोशल मीडिया पर। तो ये मनोज जी हैं कौन, तो आइए मैं आपको मनोज जी से मिलवाता हूँ। अभी 12 बज रहे हैं तो मनोज जी का मैं वेट कर रहा हूँ, वो अपनी साइकिल से आएंगे और हमें एक वेज ज़बरदस्त थाली खिलाएंगे। मनोज भाई का जो यहाँ पे स्टॉल लगता है अराउंड 11 बजे 11 12 के आसपास लगता है। मैंने कई बार यहाँ से खाया है क्योंकि मेरा ऑफिस यहीं पे है, पास में ही है। सुबह जो घर से दूर रहते हैं उनको पता होगा कि किस तरह से होता है। सबसे अच्छी बात इनके खाने में ये है कि ये घर का होता है, प्याज और लहसुन नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज पहले आके खड़ी हो गई है यहाँ पे। तो मतलब आपको डर है कि जल्दी खत्म हो जाएगा या भूख ज्यादा लग रही है? नहीं, मुझे भूख लग रही है। थैंक यू। मनोज जी पीछे अपने कस्टमर्स को अटेंड कर रहे हैं और थोड़ी भीड़ लग जाती है जब यूट्यूबर्स यहाँ पर आते हैं और एक यूट्यूबर इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर मैं मनोज जी से बात करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मनोज जी कैसा टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या जो ये सिर्फ एक हाइप है कि लोग सिंपैथी के लिए इनके पास आ रहे हैं, कि एक्चुअल में खाना बहुत अच्छा देते हैं? तो मैं यहाँ फूड रिव्यू करने आया हूँ। इनकी पर्सनल लाइफ जो भी होगी ठीक है, अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो देखिए हर किसी के साथ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मैं आप तक जायका पहुँचाऊँ। अगर कोई बंदा पॉपुलर हो रहा है तो क्या वो एक्चुअल में अच्छा खाना दे रहा है या नहीं दे रहा है? मनोज सर, हमने काफ़ी सारी स्टोरीज तो आपकी जान ली हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पर हमने देख लिया है, तो आपके बारे में मोटा मोटा हम सबको पता है। लेकिन मैं जिसलिए आया हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं जायका देखूँगा कि मनोज जी का क्या टेस्ट एक्चुअल में इतना अच्छा है या नहीं है। देखिए लोग आते हैं, आपकी स्टोरी पूरी दुनिया को दिखाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मैं आपका खाना लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप पहले मुझे बताइए आज खाने में क्या क्या है? सर आज दाल फ्राई है। दाल फ्राई है, एक बार दिखाएंगे? हाँ जी, उड़द चने की दाल है सर। ये आपने खुद बनाई है? हाँ जी सर। अच्छा, और अच्छा आपकी दाल में खास बात क्या है? सर कुछ भी नहीं है खास, बस ये है कि जितना पड़ता है मैं आ जाए वही है जी। लहसुन प्याज नहीं डालते आप? अब वो तो किसी में भी नहीं डालता, बात इसलिए है कि मेरा टाइम बचेगा सर। अच्छा। फिर मैं अगर लहसुन डालूं या प्याज डालूं तो मेरे को कॉस्ट बढ़ानी, लहसुन की दिक्कत नहीं है लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ानी। 40 रुपए में दे रहा हूं, जब मैं 10 में दे रहा हूं वो मुझे किसी को भाई को 20 में देना पड़ेगा, क्योंकि गैस भी लगेगा तेल भी लगेगा। बिजनेस टैक्टिक्स हैं आपके सर, क्या माइंडेड हो आप? पहले कुछ और काम भी करते थे राइट? आप पहले क्या काम करते थे सर? मोटर वाइंडिंग का काम करता था। तो आपने धंधा किया है, आपको मालूम है कि कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है सर? अब क्या करें जी, नहीं निकलेगा। मैं और कुछ मिलावट करता नहीं हूँ, आप कहीं भी भेज दीजिए, जो कह दूंगा वही है। गरम मसाला अपने हाथ से डाला है और जीरा डाला है। आज इसमें दाल में थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, लेकिन इसमें ज़्यादा डाली है सर। ये क्या है सर? सर ये मिक्स सब्जी है, ये मिक्स सब्जी है सर। इसमें क्या क्या है सर? इसमें जैसे आलू मटर हो गए, सेम फली हो गई और गाजर हो गई, गोभी हो गई, ये है जी। चलिए, और सर ये चावल है? सर ये चावल है, पुलाव टाइप का बना हुआ है। तो सर चावल के साथ ना मेरे लिए एक थाली लगा दीजिए। जी सर, ये चावल है जिसमें जीरा डाला, आज गोभी भी डाली है, अदरवाइज मैं गोभी डालता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ जी सर, आलू डाला है और गाजर डाली है। खाना देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, इसके भी रीज़न बता देता हूँ। बताइए। ये जो मैं पुलाव बनाता हूँ, अब जैसे 2 किलो चावल है, हाँ जी, हमारे आलू डाला, प्याज डाला, गाजर डाला, तो 1 किलो वो बढ़ गया, तो 1 किलो चावल तो हमारा कम ही हो गया ना सर। हाँ जी, हाँ जी, और टेस्ट का टेस्ट आ गया। मतलब आपको पूरा धंधा करना आता है कि बिजनेस कैसे करना है, कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है? कटिंग वाली बात नहीं है सर, थोड़ा सा मैं कॉस्ट कटिंग की बात कर रहा हूँ कि कम से कम पैसे में आपको खाना सर लोगों को पहुँचाना है सर। तो आप किस हिसाब से बनाएंगे कि आपको थोड़ा बहुत मुनाफा भी हो जाए? सर मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, आदमी पैसा तो कमाता ही कमाता है। हाँ जी। आप जो कॉस्ट कटिंग का कह रहे हैं ना सर, माफी चाहूंगा, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल, कोई आदमी को पैसा कमाना तो पड़ता ही पड़ता है, उसे इंसान भी कमाना पड़ता है। बिल्कुल, तो सब यही है, कॉस्ट कटिंग कह लीजिए या इंसान कमाने के लिए कह लीजिए सर। आंख में पर्दा विचार है सर आपके, सर आंख में पर्दा डालने वाली बात है। थाली लगाइए जी।
तो सर ये चीज़ें हैं। और आगे मैं वाइंडिंग का काम करता था, मोटर वाइंडिंग का, तो साहब उसमें तो साहब बहुत ही दिमाग लगा था, वही आपको कहते हैं जो कॉस्ट कटिंग वाली। मैं सर समझ रहा हूं आपको धंधा करना आता है, वही उन्होंने सिखाया साहब। मेरा तो 2000 का बिल बनता था, 1200 पकड़ाते थे साहब, एक बार काटेगा कोई, दो बार मालिक काटेगा, तीसरी बार साहब हम जैसा गरीब आदमी मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा था। सर आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। जी सर, आपने तभी आप आगे बढ़े हो। आप सर उसमें मेरे को थोड़ा सा गलत काम भी करना पड़ता था, आपके घर का पंखा ले जाऊंगा उतार के तो 4 दिन, अरे साहब लेथ मशीन पे पड़ा, ये नहीं है, आप चिल्ला रहे हैं। आपके तो मतलब कंपनी का काम होता था, एक ही कंपनी में 10-10, 50-50, 100-100। अच्छा सर देखिए, खाना तो आपका अभी मैंने खाया नहीं। जी सर, आप व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया इंसान है आप बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। गलत बोल के पहले देख लिया ना, विचार बदलेंगे तभी तो घर में खुशियाँ आएंगी, हम छोटी छोटी बात पे कर देते हैं नुकसान। साहब विचार बदलोगे तो पुलिस वालों का भी काम हल्का होगा, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, आप कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, तो विचार बदलने तो जरूरी है। आप बोलते ही बहुत अच्छा हो साहब। क्या बोलते हैं साहब, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, बात तो है ही नहीं। आप थाली लगाइए मेरे लिए। हर तरफ से मनोज जी स्टार बनने के बाद। नहीं सर, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ स्टार, क्या होता है साहब, हमने तो मजदूरी, सब आपका प्यार है जी, ये क्या करे जी। मनोज जी के साइकिल के बिल्कुल सामने यहाँ पर इमरान है, जो जलजीरा और क्या है भैया आपके यहाँ, लेमन सोडा है, और उन्होंने मुझे बैठने की जगह दे दी है। थैंक यू इमरान। तो लेकिन इमरान को मैं भी थोड़ा सा काम दूंगा, मैं फूड रिव्यू करूंगा, तो इमरान को कैमरा पकड़वाऊंगा। इमरान आपको कैमरा पकड़ना पड़ेगा। ये थाली है जिसके अंदर मिक्स वेज है, दाल है, दही है, रोटी है और चावल। मैं तो आ गया था अभी, आधा घंटा हुआ, मैं थोड़ा सा लेट ही हो रहा था। सर इसको ढक दो, थोड़ी सी भीड़ लग गई है। और ये मैं दाल का पहला निवाला बना रहा हूँ, मेरी तरफ दिखाऊंगा यार। बिल्कुल घर का खाना है, और लहसुन प्याज इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा ज़ायका थोड़ा सा अलग है। अच्छा, अब हम इनकी ये सब्ज़ी टेस्ट करते हैं दही के साथ। ₹40 में घर जैसा खाना नेहरू प्लेस में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा लोगों के माइंड में ये रहता है कि यार एक बंदा साइकिल पे खाना दे रहा है, मेरे पास कैसा होगा, बड़े मतलब लोग हाइजीन की बात करते हैं, लेकिन मैंने जो उनका तरीका देखा काफ़ी साफ़ सुथरा है, खाना देखने में भी साफ़ है। और अगर मैं रोटी की बात करूँगा, रोटी भी एक बोलो यार बताओ, जैसे कहते हैं ना एकदम घर की रोटी जैसी होती है, पतली एकदम, बड़े वाली थाली में डालो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है खाने का मेरा ये। और मुझे थोड़ा सा ये डाउट था कि बिना लहसुन प्याज के खा रहा हूँ तो पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, लेकिन मुझे इतना महसूस हो नहीं रहा। मनोज जी। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया है। मिर्च ठीक है सर, मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सूखी सब्जी बहुत, बहुत ही बढ़िया जी, दाल में तो ठीक होगा सर, बहुत ही बढ़िया। आप अपने कस्टमर अटेंड करो सर, उसमें थोड़ी सी हल्की लग रही होगी इसीलिए दही रख लिया मैंने, दही रख ली, लेकिन खाना ओवरऑल बहुत ठीक है सर। थैंक यू। इनके चावल का जो राइस है इसको ज़रा ट्राई करते हैं, इसमें मुझे फील हो रहा है कि प्याज वगैरह नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। आज इनकी दोनों सब्जियां थोड़ी सी तीखी हो गई हैं, लेकिन क्योंकि ये बिज़नेस माइंडेड हैं और इन्हें पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है और कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, तो इन्होंने आज दही सबको दी है, चावली चावल, सब लोग दही खाएँ और मिर्च का जो ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। मैं अगर इस खाने को रेटिंग दूंगा 10 में से तो मैं 8 रेटिंग दूंगा। दो जो है मैंने वो लहसुन प्याज की वजह से तो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो रहा है, 2 नंबर उसके काटे हैं, लेकिन ठीक है, कॉस्ट कटिंग करिए, बिजनेस माइंडेड हैं, ये जानते हैं कि किस तरीके से लोगों को सस्ते में खाना देना है। उससे आपको नुकसान होता है, बच्चे को भी, क्या नाम कहते हैं, आपको हेड ऑफ फैमिली है तो आपको होता है नुकसान। अब मैं सर आपकी बात करता हूँ, इधर रावण की बात करता हूँ, अब मेरे फादर ने मुझे गाड़ी लेके दी है, मैं ये नहीं कहता मेरे फादर की है, बोलूंगा मेरी है।
कोर्ट कचहरी भी नहीं जाना पड़ेगा, गुस्सा भी खत्म होगा तो जीत खत्म होगी और घमंड खत्म हो जाएगा। चलिए मनोज जी, ओके सर, थैंक यू, गुड बाय, नाइस मीटिंग यू। मनोज जी का खाना टेस्ट किया, नो डाउट बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, तो मेरा ये रहता है अगर खाना अच्छा है तो अच्छा है, अच्छा नहीं है तो मैं रिव्यू ही नहीं करूँगा। तो मेरे यहाँ पे एक बंदे ने और हेल्प करी, मनोज जी अभी थोड़ा बिजी हैं पीछे, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आए हैं इनके पास जो इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे हैं, और यहाँ पर एक बंदा है इमरान, और इमरान यहाँ पर एक ऐसी चीज़ दे रहा है जो सर्दियों में तो भैया इतनी चली नहीं होगी अभी, लेकिन गर्मी में ये चीज़ ऐसी है कि इसके बगैर दिल्ली वाले रहते नहीं हैं। मनोज जी और इमरान जैसे लोग जो मेहनत करके पूरे दिन कमाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को कैमरे पर डिस्कस करके कुछ व्यूज पाने से बेहतर है हम उनके साथ खुशियां बांटें और उनके काम को प्रमोट करें। तो चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और जगह किसी नए जायके के साथ, और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़। तो भैया की मूछें बड़ी जबरदस्त हैं, 10:10 हो रहे हैं इनकी मूछों में, रोटी पैक कर रहे हैं, और मूछें हो तो भैया नथु लाल जैसी। और ये टीचर हैं, आप क्या पढ़ाते हैं सर? फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं।